सपा वाली साइड है। ये खादिम ने मक्का जा रहे, सफाई वाला मशीन है इसके साथ। माशाल्लाह दोस्तों, ये जंजन जिधर पहले अबू जेल का घर था, ये सामने काला बोर्ड जो नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर जो आ रही है, मैं थोड़ा जूम करवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी दोस्तों, मैं काशिफ़ोर और मैं यहाँ मक्का हरम शरीफ में काम करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस घर में पैदाइश हुआ था। घर को अभी ये नहीं है, घर चेंज किया हुआ है, लेकिन इसी जगह पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश हुआ था। अभी इसको किताबों का लाइब्रेरी बना दिया। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पूरे मस्जिदुल हराम की ज़ियारत करवाऊँगा, मेरे साथ ही रहे वीडियो एंड तक। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वो घर है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाय पैदाइश हुआ था। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाय पैदाइश है। घर तो अभी ये नहीं है, इन लोगों ने चेंज किए हुए, लेकिन इसी जगह पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश हुआ था। ये साथ में ये जगह है, यहाँ पे जमजम पानी मिलता है, कुएं से पैप आया हुआ है, ओरिजिनल जमजम पानी मिलता है यहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बंद किया हुआ है। हज से पहले खोला था, हजियों के लिए खोला था, हज के बाद फिर बंद कर दिया। ये देखो दोस्तों, हाजी लोग ज़ियारत के लिए आ रहे, हुज़ूर सल्लम के घर की ज़ियारत के लिए आ रहे। वो सामने सारा काम हो रहा है, सामने पूरा मक्का मस्जिदुल हराम है, ये सामने पूरा काम हो रहा है, मीनारों पे ये जगह जगह पे क्रेन लगा, ये सामने सफा मरवा का बिल्डिंग है। सुभान अल्लाह दोस्तों, ये कबूतर है, यहाँ हाजी लोग इसको दाना डालते। इस साइड ये दो टनल है, इस पे लोग हज के लिए जाते हैं, मीना अरफात मुजल्फा, यहाँ से लोग जाते हैं बसों में, यहाँ से लोग आते हैं फिर मस्जिदुल हराम के अंदर जाते। माशाल्लाह दोस्तों, ये कबूतर है। दोस्तों, ये सामने पहाड़ जो है, ये वो पहाड़ है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के दो टुकड़े किए थे। चाँद को इशारा किया तो उसके दो टुकड़े हो गए। काफिरों ने उसको बोला था, अगर आप सच्चे अल्लाह के पैगम्बर हो तो आप इस चाँद के दो टुकड़े कर दें। तो उसने इशारा किया कि अल्लाह के हुक्म से दो टुकड़े हो जाए, चाँद के फिर दो टुकड़े हो गए। फिर नऊज़ु बिल्लाह काफिर ने बोला कि आपसे बड़ा जादूगर कोई नहीं, नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये सामने अबू जेल का घर है, ये पहले अबू जेल का घर था, अभी यहाँ पे बाथरूम है, वहाँ से लोग अंदर जाते हैं। और वो सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। ये तीन चार ज़ियारतें एक ही साथ हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को काबे के पास लेके जाता हूँ, अंदर की ज़ियारत करवाता हूँ। ये सामने जमजम के पानी है, हज लोग पी रहे। अभी मैं आप लोगों के अंदरूनी ज़ियारत करवाता हूँ। जी दोस्तों, ये वो दो खिड़के जो एक बूढ़ी औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंकती थी, बाद में फिर वो मुसलमान में हो गई थी। ये पहले पहाड़ था, अभी इधर सिर्फ निशान के तौर पर ये जोड़े, ये घर बनाया अभी इधर। ये इसी सीधा रास्ता गया हुआ है मक्का क्लॉक टावर की तरफ, यहाँ पे ये आता है। सुभान अल्लाह, सामने जितना है दोस्तों, ये सफा मरवा का बिल्डिंग है। माशाल्लाह, पहले ऊपर से भी मैंने दिखाया आप लोगों को, ये साइड बहुत खूबसूरत मंजर है। ये सारे जगहों पे काम स्टार्ट है दोस्तों। ये सामने मक्का क्लॉक टावर है, ये मेरी काम की जगह है। वो गाड़ी आया हुआ है, गाड़ी उतार रहे, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये गाड़ियों का रास्ता है, अभी मैं जिधर जा रहा हूँ वहाँ से हम गाड़ी लेके आते हैं, वहाँ लास्ट पे वहाँ तक गाड़ी खुद आती है, फिर उसके आगे मैं लेके आता हूँ। हम मार्बल लेके जाते हैं मताफ़ के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी मार्बल लगता है मताफ़ के अंदर, वो सब का ट्रांसपोर्ट मेरे साथ है दोस्तों। ये गाड़ी आया था, मेरा सेकेंड का ड्राइवर है लेफ्टर का। ये माल अभी नया आया, उतार दिया यहाँ पे। ये गाड़ी अभी वापस लेके जाएगा। ये मेरे साथ आदमी काम करते हैं, इंडिया के भाई भी है और पाकिस्तान। ये माल है, नया माल आया माशाल्लाह दोस्तों। ये जलकश और हसीन और खूबसूरत मंजर मस्जिदुल हराम की, ये अबू जेल हमाम वाली साइड है।
जिधर पहले बुजेल का घर था, ये सामने काला बोर्ड जो नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर जो आ रही है, मैं थोड़ा जूम करवाता हूँ, ये सामने वाला, ये वाला, यहाँ पे पहले अबू जेल का घर था, अभी यहाँ पे बाथरूम बनाए। ये नीचे देखो दोस्तों, ये हाजी लोग जा रहे, ये सामने मेरा काम का स्टोर भी यहाँ पे, इधर ये गाड़ियाँ वगैरह खड़े, यहाँ पे मेरा माल का स्टोर है, मैं मार्बल स्टोर करता हूँ यहाँ से, फिर आगे माता अपने लेके आता हूँ। पुराने वीडियो जो मेरे जिन लोगों ने देखे उनको पता है। अच्छा दोस्तों, ये सामने जो बड़ा बिल्डिंग नज़र आ रहा है, इसी के साथ जन्नतुल माला भी है, मस्जिद जिन भी है और मस्जिदुल फतह भी है। सुभान अल्लाह, ये तीन ज़ियारत एक ही जगह पर मौजूद है। दोस्तों जितना इन्फॉर्मेशन मुझसे होता है, जितना मुझे पता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों को परेशानी नहीं हो, आराम से आप लोग जा सकते हो। ये अबू जेल वाला हमाम जो है उस साइड पे। दोस्तों ये सामने मक्का क्लॉक टावर है, ये रास्ता सीधा गया हुआ है, यहाँ पर भी हाजी है, ये हाजी लोग जा रहे हैं। माशाल्लाह दोस्तों, ये सफ़ा है, फर्स्ट फ्लोर है सफ़ा का, खादिमीन मक्का सफाई कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है दोस्तों, ये वो ग्रीन लेट है जिधर लोग दौड़ लगाते हैं, खादिमीन मक्का सफाई कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है दोस्तों, ये यहाँ की सफाई की मशीनरी है, यहाँ इसके सफाई करते हैं। अल्लाह दोस्तों, ये सफाई कर रहे हैं खादिमीन मक्का अल मजल कंपनी वाले। ये सफा मरवा का फर्स्ट फ्लोर है, ये भी जिस साइड पे सफाई हो रही है, ये सफाई। माशाल्लाह दोस्तों, दीदार करें, बहुत खूबसूरत मंजर है। सुभान अल्लाह, ये वो जगह है जहाँ हज़रत सैयदना हज़रत अल्लाह तआला पानी के लिए दौड़ी थी, ये ग्रीन लेट वहाँ पे, जिधर तक ये ग्रीन लेट, यहाँ पे अभी लोग दौड़ लगाते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, खादिमीन मक्का सफाई कर रहे हैं। ये जमजम सप्लायर भी आ गए, पानी वाले जो जमजम के सप्लाई करते हैं। माशाल्लाह देखो दोस्तों, बहुत खूबसूरत मंजर है, बहुत खुश नसीब लोग है। देखो दोस्तों, सफा मरवा का सफाई कर रहे, ये सफा वाली साइड है। सुभान, माशाल्लाह दोस्तों, ये जमजम के पानी की तलाजे लगे हुए, यहाँ से लोग पानी पीते हैं टोमेटो के। माशाल्लाह दोस्तों, मक्का हरम शरीफ के खादिम सफाई कर रहे हैं। तो ये दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बाहर का ज़ियारत करवाता हूँ।
बहुत खूबसूरत नज़ारा था ये। माशाल्लाह दोस्तों ज़्यारत करे तवाफ काबा जा रही है, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मंजर है काबा शरीफ की। देखो दोस्तों ग्रुप ग्रुप में लोग आए हुए, सुभान अल्लाह देखो ये खूबसूरत नज़ारा, हर किसी ने अपना निशान लगाया हुआ है ताकि गुम ना हो जाए। सुभान अल्लाह दोस्तों बहुत खूबसूरत मंजर है, दीदार करे तवाफ काबा जा रही है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, आज इतवार वाला दिन है, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये लोग निशान लगा के आते हैं, फिर बहुत खूबसूरत लगते हैं ग्रुप ग्रुप में लोग, ऊपर से बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, सुभान अल्लाह। ये देखो दोस्तों अभी और ग्रुप पे आए, यहाँ पे कड़े सेट के दवा कर रहे, दवा के बाद ये तवाफ स्टार्ट करेगा, सुभान अल्लाह दोस्तों खूबसूरत मंजर है। माशाल्लाह दोस्तों पहले थोड़ा जूम करवाया था, अभी कैमरा थोड़ा बैक किया, ये सामने उमरा गेट की मीनार है, इस साइड पे पीछे जो होटल नज़र आ रहे, ये हाजियों की रिहाइश गए सारे, ये दो इंफात गेट की मीनार है, सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है दोस्तों। सही है दोस्तों जी, दोस्तों अभी मैं हूँ माताब के ग्राउंड फ्लोर पे, ज्यारत करें माशाल्लाह तवाफी काबा जा रही है, बहुत खूबसूरत मंजर है दोस्तों, दीदार करें सुभान अल्लाह। ये ग्रुप ग्रुप में लोग आए हुए, हर किसी ने अपना निशान लगाया हुआ है, सुभान अल्लाह। दोस्तों ज़्यादातर लोग ये सवाल करते हैं, ये वीडियो जो रिलीज़ करते हैं वो वीडियो बनाते बनाने वाला ये कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं या ये कोई और है? तो दोस्तों ये सब कुछ मैं खुद अकेला करता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, फिर उसको एडिट करके अपलोड भी करता हूँ, और रिप्लाई भी मैं खुद देता हूँ, सब कुछ मैं अकेला करता हूँ, मेरे साथ दूसरा आदमी कोई नहीं है। सही है दोस्तों, तो जो भी मसला हो जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं, सुभान अल्लाह दोस्तों ज़्यारत करें। तो आप जा रही है, बहुत खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, दीदार करें। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को नीचे से दिखाता हूँ सेन से, मैं अभी सेन के पास जाता हूँ जी। दोस्तों अभी मैं नीचे सेन में माता आपका ज़्यारत करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है, ये यहाँ पे कूलर वगैरह लगाया हुआ है गमगम पानी का, देखो हाजी लोग तवाफ कर रहे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है दोस्तों, ज़्यारत करें, माशाल्लाह दोस्तों तवाफ जा रही है, सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है तवाफ की काबा की। ये खादिमीन मक्का जा रहे, सफाई वाला मशीन है इसके साथ, माशाल्लाह दोस्तों ये जंगजंग के कूलर लगाए हुए, ये इंडोनेशिया के हाजी है, तस्वीर निकाल रहे, तस्वीर निकालना भी नहीं चाहिए लेकिन ये लोग फिर भी यहाँ अभी आजकल सब तस्वीर निकालने के लिए आते। अच्छा दोस्तों ख़ासकर लेडीज़ यहाँ पे जब आते ना तो सुर्खी मेकअप लगा के आते, ये नहीं किया कर यहाँ अल्लाह पाक को आजीज़ी दिखाओ कि मैं आपका बहुत आजीज़ बन रहा हूँ, माइंड नहीं करना। तो सही है दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।